हेलो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन हियर 3PQ। पहले हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के पहले इस पॉलिनोमियल को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक ये है और एक ये है। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन माइनस करने के पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी आप एक्चुअल टर्म्स पता कर पाएंगे और फिर माइनस कर पाएंगे। तो जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3PQ ब्रैकेट में P माइनस Q, ये आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है, ये मोनोमियल है। तो हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट। तो देखिए, 3 और ये पी के पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3PQ इंटू पी माइनस 3PQ इंटू क्यू। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर ब्रैकेट होता है तो जो बाहर टर्म रहती है वो टर्म बाय टर्म सबसे मल्टीप्लाई की जाती है। अब आप कैसे करेंगे, 3 है इसका बेस, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 3। पी है ये, दिस इज ऑल्सो पी, दोनों का पावर 1 1 है, बेस सेम है, तो पावर्स एड हो जाएंगी, 2 हो जाएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लाई, अगर हमें दो ऐसे वेरिएबल्स को करना हो जिनका बेस सेम हो, ठीक है, दैट मीन्स पी इंटू पी है तो बेस सेम है पी और पी, पावर्स अलग हैं तो भी चलेगा, 1 है जैसे इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, p तो बेस में रहेगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर बेस सेम होता है। बेस अगर डिफरेंट रहता है तो वो नंबर्स मल्टीप्लाई में सेम रहते हैं, सेपरेट ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे ये q है, सिंगल है, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस। यहाँ देखिए, ये 3 हो जाएगा, p हो जाएगा, यहाँ Q रिपीट हो रहा है जिनकी पावर है 1 and 1, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1 2। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपकी, 2PQ प्लस मल्टीप्लाई विथ P प्लस Q। इसको भी सेम वे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2PQ को पहले P से, देन प्लस 2PQ को Q से। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट में, और ये हो गया आपका 2P + P × P, हो गया P की पावर 2, Q प्लस 2P और ये Q की पावर 1 1, दैट मीन्स 2 हो गई। तो ये आ गया आपका सेकेंड एक्सप्रेशन। तो ये फर्स्ट यहाँ आ गया है, सेकेंड ये आ गया है, और आपको क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन। तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ये लिखेंगे, ये है एक्सप्रेशन, तो इसको लिख देते हैं 2P² + 2PQ², ये लिख दिया हमने इसका एक्सप्रेशन। फिर इसको माइनस करना है, तो ये देखिए P² Q है, P² Q ये टर्म है लाइक में, तो लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखा जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3P² Q। इसका टर्म क्या है, इसका वेरिएबल है PQ², तो ये भी PQ² है, तो इसी के नीचे आएगा -3PQ². और हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन चेंज करना होता है। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, अब ये -3P²Q पढ़ा जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। जब भी आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पॉलिनोमियल्स जो रहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो सेकंड वाला रहता है उसके आपके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए, दिस इज 2P² Q और ये -3P² Q, तो देख रहे होंगे 2 - 3 - 1 बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस नहीं होते हैं, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ नीचे लिखे जाते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हमने इन दोनों को
माइनस किया तो पी स्क्वायर क्यू कॉमन ले लिया और 2 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 1। यहाँ देखिए दिस इज प्लस 2 एंड प्लस 3 तो ये हो गया प्लस 5, दोनों प्लस के थे तो ऐड हो गए और ये आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को।